मदर सुप्रभात बच्चों, मैं जितेंद्र आप सब के सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर। खासकर मैं विद्यालय प्रबंधन का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने एक जद्दोजहद करे प्रयास करके आप सब बच्चों के लिए ई क्लास की व्यवस्था की है। यह हम शिक्षकों के लिए भी और आप बच्चों के लिए भी बड़ा सुखद रहेगा। आपका समय जाया ना हो इसके कारण विद्यालय ने ऐसी व्यवस्था की है, इसके लिए हम विद्यालय प्रबंधन का शुक्रगुजार हैं। और आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी व्याकरण को लेकर, और हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण में पहला अध्याय है, और चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसमें सबसे पहले भाषा आता है, और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ जैसे ही हर समय मनुष्य के मन में कुछ विचारों या भावों का आदान प्रदान होता रहता है, उपज होती रहती है, और हमारे मन में जो भाव और विचार उत्पन्न होते हैं उन भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा कहलाता है। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, एक दूसरे के समक्ष उसका जो आदान प्रदान का माध्यम होता है वही भाषा कहलाता है। और अगर भाषा नहीं होगी तो हमारे मन में सोची हुई बातें मन में ही दबी रह जाएगी। अगर हम बोलने के माध्यम से, लिखने के माध्यम से या संकेतिक रूप से उसके दूसरे के सामने परिलक्षित नहीं कर पाएंगे तो जो हमारे मन के भाव हैं, जो हमारे मन के विचार हैं, जो हमारे मन के सोच हैं वो हमारे मन में ही रह जाएंगे। इसलिए भाषा बहुत ही नितांत आवश्यक चीज़ है। अब रही बात कि व्याकरण में ही भाषा क्यों आया है, तो भाषा चूँकि हम बोलने के क्रम में बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जो आपको बताता है भाषागत अशुद्धियों को शुद्ध करने की कला सिखाती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखलाता है। जो हमारी भाषागत अशुद्धियाँ होती हैं उन अशुद्धियों को दूर करने का व्याकरण प्रयास करती है। अब मैं आपको बता दूं कि भाषा क्या है। भाषा में तो बता ही दिया कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन में उत्पन्न भाव या विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, ठीक है। अब भाषा को कितने रूप में प्रयोग किया जाता है। व्याकरणीय दृष्टिकोण से भाषा को दो तरह से लोग प्रयोग करते हैं, लिखित और मौखिक। लेकिन एक तीसरा माध्यम भी है भाषा को प्रदर्शित करने का, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का, अपनी भावनाओं को जाहिर करने का, अपने विचारों से एक दूसरे को अभिभूत करने का। वो तीसरा रूप होता है लिखित, ये संकेतिक रूप। और संकेतिक रूप में जो आदमी मूक बधिर होता है, अक्षम होता है, या वैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती है जब हमें कुछ नहीं बोल करके आपात परिस्थिति में इशारों के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार करना पड़ता है, उस समय हम संकेतिक रूप से अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, वह भाषा का तीसरा रूप कहलाता है। लेकिन उसी व्याकरणीय दृष्टिकोण से मान्यता नहीं दी गई है। व्याकरणीय दृष्टिकोण से दो ही रूप को मान्यता दी गई है, मौखिक और लिखित। अब है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो हमारे मन में भाव या विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसे हम लिख बोलकर या पढ़कर, बोलकर या पढ़कर एक दूसरे के सामने जो भावनाओं का इजहार किया जाता है, जो व्यक्ति बोलकर या पढ़कर एक दूसरे के समक्ष प्रदर्शित करता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। वैसे ही अगर हम लिख करके अपनी बातों या भावनाओं का इजहार करते हैं,
वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, और इशारों से यदि हम अपने मन की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा कोई भी व्यक्ति लिखकर यदि एक दूसरे के समक्ष अपनी भावनाएं प्रदर्शित करता है, वह भाषा का लिखित रूप है। ये हो गई बातें बोलकर या लिखकर। और संकेतित रूप से मैंने आपको बताया है कि अगर इशारों के द्वारा हम अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब भाषा को चार भागों में विभक्त किया गया है। जो हमारी भाषा है, किसी भी भाषा के विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, पंजाबी है, हिंदी है, बंगाली है, और चीनी है, फ्रांसीसी है, इंग्लिश है, तो अनेक भाषाएं हैं, और इन भाषाओं का इजहार अनेक माध्यमों से किया जाता है। लेकिन भाषा को मुख्य रूप से हिंदी भाषा को चार भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी भाषा को चार भागों में विभक्त किया गया है। वो चार भाषा है, सबसे पहली है मातृभाषा। मातृभाषा को लेकर अमूमन बच्चों में थोड़ी सी भ्रांति की स्थिति होती है। मातृभाषा को हमारे अनेक ऐसे बच्चे हैं जो आज तक ऐसे समझते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन मेरा यह विचार थोड़ा सा आप लोगों से भिन्न है। एक्चुअल दर्शन मातृभाषा उसे कहते हैं जो कोई भी बच्चा शैशवावस्था में, बचपनावस्था में अपना होश संभालने के बाद पहली बार अपनी माता से या अपने परिजनों से जो भाषा सीखता है वही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। पहली बार अमूमन लोगों के दिमाग में होता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग अगर मैथिली परिवार में जन्म लेते हैं तो वहाँ उनके परिवार की भाषा मैथिली होती है। अगर अंगिका वाले परिवार में जन्म होते हैं जहाँ अंगिका का प्रयोग किया जाता है तो उनकी भाषा अंगिका होती है। अगर बंगाली वाले परिवार में जन्म लेते हैं तो बंगाली उनकी मातृभाषा होती है। अगर संस्कृत बोलने वाले परिवार में उनका जन्म होता है तो संस्कृत उनकी मातृभाषा कहलाएगी, न कि हिंदी उनकी मातृभाषा कहलाएगी। तो मैंने बताया सबसे पहले मातृभाषा और दूसरी हुई राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं किसी भी देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा, जिसे सरकारी तौर पर मान्यता भी मिली हो और जरूरत से ज्यादा वहाँ के अधिक से अधिक सरकारी कार्यों में उसका प्रयोग किया जाता है, वैसी भाषा को हम हिंदी कहते हैं। और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, न कि मातृभाषा हिंदी है। तीसरी है प्रादेशिक भाषा। तीसरी है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का मतलब होता है किसी भी राज्य के अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है, और वहाँ के राज्य के लोगों में राज्य सरकार द्वारा उसको भाषा के रूप में मान्यता भी दी गई हो। यहाँ की प्रादेशिक भाषा भी, बिहार प्रदेश की प्रादेशिक भाषा भी हिंदी है, पंजाब की भाषा पंजाबी है, गुजरात की भाषा गुजराती है, बंगाल की भाषा प्रादेशिक भाषा बंगाली है, ये प्रादेशिक भाषा हुई। और अंतिम होती है विदेशी भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दोनों एक ही है, विदेशी भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा दोनों एक ही है। और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शहरों में ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा कहलाती है। ये भाषा के चार रूप थे, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी भाषा। धन्यवाद बच्चों, आप सभी ने अपना समय दिया और अंबर को एंटरटेन किया, इसके लिए आप सबको ढेर सारा साधुवाद। इस तरीके से आप हमारी क्लास में शामिल होते रहिए, विद्यालय की क्लास में शामिल होते रहिए,
और अपना ज्ञान वर्धन कराते रहिए। अभी मैंने भाषा के बारे में आपको बताया, फिर अगली कक्षा में मैं व्याकरण के बारे में बताऊंगा कि व्याकरण क्या है और व्याकरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है और व्याकरण है क्या।